बोलो कई काम पड़ गया आज? हमारी सास आज बाहर गई थी तो लेटरिन करने, तो वहाँ की जगह पड़ गई थी, उसका पाँव टूट गया। हमें सास का पाँव टूट गया, उसके लिए इलाज के लिए हमें पैसा की जरूरत पड़ रही। खतरा, हमें 15-20 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ रही है। क्यों घर में नहीं बनवा रखी के लेटरिन जो बाहर भेजी आपने आपकी सास? हम दो चार जन वेली होके हम तो जंगल में चले जाओ, अच्छा लगे हमें बाहर जाने में, वो घर में नहीं लेटरिन में गंदगी लगे हमें। देखो बाहर जब तो ज़्यादा गंदगी फैलती है, नदी का पानी में मिल जाओ वाले लेटरिन और उस पर मक्खी वक्खी सब बैठ जाती है, वही अपना खाना पाकर बैठ जाती है तो उससे ज़्यादा बीमारी फैलती है। और घर में का गंदगी रहे हो, उसका तो टैंक बनता है अलग से, वो पेट टैंक बनवा लो, कौन सा भी टैंक बनवा लो, उसमें गंदगी कुछ भी नहीं रहती। देखो बात तो दिन भर भी कर सका अपन, काम से फ्री हो या बाद में भी, और बाहर जब आसो गंदगी भी फैल है, और बात के लिए अपन दूसरा, अपन तो बीमार हो जो वहीं से दूसरा भी बीमार हो, पूरा यही होगा। घर अगर लेटरिन रहे हो तो कितनी अच्छी बात है। अभी आज तो तुम्हारो ही सासों को पाँव टूटे, परसों तुम्हारो टूट सको, कोई भरोसा? देखो अपन लेटरिन बनवा, बस अपनी सुविधा हो जाओ कि अपनी बहू बेटी बाहर जावे, अपन बाहर जावा तो लोगों की गंदी नज़र अपन पर रहे, इसलिए सब यानी अपनी दिक्कत आवे, अपन कितना परेशान रहे वहाँ, लोग बाग भी गंदी नज़र से देखे, इसलिए बहुत परेशानी आती है। और वैसे बारिश में ज़्यादा ही परेशानी आती है, और जो अपने आबा वाली पीढ़ी कोई बाहर थोड़ी नहीं जाएगी, भाभी अंदर ही जाएगी। हम बाहर जावा नहीं, बाहर तो एक डिब्बा में काम करना है, और लेटरिन में नहीं, लेटरिन में बहुत पानी चाहता है, ये पानी का नहीं परेशानी है हमारे, पानी कहाँ से लावा, एक डिब्बा दो डिब्बा लावा, हम तो उसे थक जाते। देखो पानी कितना चावा, ज़्यादा ज़्यादा आधी एक या आधी बाल्टी जावा, अपन बर्तन भी माँजा, कपड़ा भी धोवा, नहावा भी सही, कितना पानी चाहो तो अब तो। और अभी तो कहीं नाम शादी एक बाल्टी के लिए कहीं ये करो, और जो तुम बदलाओ ना तो तुम्हारे वो बदलाओ, हमारे तो कहीं नाम से हमारे पति भी बदलाओ और हम भी बदलाओ। हमारी बात तो यार ठीक लग रही, कितना खर्चा आ जाए लेटरिन बनवा? 4,600 तो अपन को जिला पंचायत से मिल जाता है, और कहीं नाम से जिनके पास जॉब कार्ड रहता है उनके पास 5,400 रुपये उनमें मिल जाओ, और लगभग 9,900 रुपये की राशि मिल जाती है अपन को। 9,900 रुपये कहाँ से मिलेगा? कि अपने फार्म जमा करना पड़ेगा, कि अपने कागज जमा करना पड़ेगा, कहाँ की जगह जमा हो, हमें तो सोच भी नहीं पड़े भाई कहाँ की जगह जमा, कहाँ की जगह नहीं जाओ, आपको बताना पड़ेगा। नहीं VDC है, नहीं VDC में चल जाओ और वहाँ कई नाम से 4,600 रुपये का चेक मिल जाता, कहीं भी कागज वागज कहीं भी जमा मत करो, वहाँ जाकर वहाँ नाम लिखवा दो और 10-15 दिन में तुम्हें पैसा मिल जाएगा 4,600। अगर तुम समूह में भी नहीं हो नहीं तब भी तुम सरपंच साहब से ले सको, मंत्री जी से ले सको, क्योंकि पहले तो तुम लेटरिन बनवा लो घर का, पहले तो घर के पैसा खर्च कर लो, फिर वहाँ से सरपंच साहब के पास चल जाओ, एक तो कॉपिन की फ़ोटो कापी ले जाओ, एक जॉब कार्ड की फ़ोटो कापी ले जाओ, एक बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी ले जाओ, और एक जो लेटरिन का फ़ोटो ले जाओ, को भाई उन्हें बता दो कि देखो हमने लेटरिन। ग्राम पंचायत की ओर से तुम्हें नहीं 4,600 को चेक मिल जाएगा 8-10 दिन में। अगर सरपंच और मंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हो कि भाई तुम्हें लेटरिन नहीं दे रहे हो, लेटरिन का पैसा नहीं दे रहे हो नहीं, तो तुम जिला पंचायत में जाकर और वहाँ भी सब कागज़ जमा करके और वहाँ से भी तुम्हें राशि मिल सको। जॉब कार्ड का पैसा मिल 5,400 रुपया, हाँ ये कहाँ से मिले? देखो अपन ना नहीं मंत्री जी के पास जाऊँगा, मंत्री जी से बोला हुआ भाई हमने लेटरिन बनवा ली तो हमें पैसा निकलवाओ 5,400 रुपया, तो वह नहीं मंत्री जी उन्हें जॉब कार्ड में अपनी हाजिरी चढ़ा देगा और वो में लिख देगा, तो अपनी है नहीं 8-10 दिन में 5,400 रुपये मिल जाए। जो अपन का नाम से 5,400 मिले ने और मसू अपन कारीगर का भी दे दो और अपनी मजदूरी का भी निकाल लो और मसू मिल जाओ अपने वो मसी को। लो चलो मुँह दिखाऊँ, देखो यार बड़ा अच्छा शौचालय बनाया तुमने, तो देखो गंदगी भी नहीं है, बदबू भी नहीं आ रही। हाँ देखो कई नाम से अगर लेटरिन बनवाओ तुम तो उन्हें चालू करवाओ, उन्हीं में कंडा लकड़ी मत भर दो और चारों मत भर दो, नहीं तो तुम कंडा लकड़ी भर दो, कई फायदों मिल गए, फिर पैसा आकर लिए कि पैसा मिल जाएगा और फिर चालू तो करो ही नहीं कि गंदगी होगी, इसलिए वो मैं कंडा लकड़ी मत भर जो और गाय को चारों भी मत डाल दो। अपना गांव के नहीं सभी भाइयाँ नहीं भले लेटरिन बनवा लो
क्योंकि उनके सब परेशानी मिट जाओ। ये कहबो और वो हमें कंडा लकड़ी नहीं भरा उन्हें इस्तेमाल कर। मारो तो ये कहबो कि तुम भी लेटरिन बनवाओ और सब बनवाओ, जो भी भाइया सब औरता सब बनवाओ और कई नाम से उन्हें इस्तेमाल करो और उनमें जाओ, सब परेशानी मिट जाएगी और बीमारी भी कम हो जाएगी। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं भी बनवाऊँ शौचालय घर में। और सब गांव की महिलाएं सब उन्हें कहूँ सब अपना अपना घर में लेटरिन बनवाओ। पैसा बाद में मिले मिलेगा बना ले तो थोड़ा बहुत घर से भी लगवाऊंगा। ठीक है, जरूर चलो, राम राम। हाँ जाओ। ठीक है।